हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी कूपन डील। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 11 की। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईफोन 11 64GB पर्पल वेरिएंट का। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन हमने एक महीने पहले ही ले लिया था, और ये अनबॉक्सिंग तो नहीं कहेंगे, एक रिव्यू आप कह सकते हो, बट फिर भी बॉक्स पड़ा था तो मैंने सोचा कि एक बार उसका भी ओवरव्यू दे दिया जाए। अनबॉक्सिंग मैं आपको क्या क्या इसमें बॉक्स कंटेंट मिलते हैं, हालांकि बहुत कम कर दिए हैं इसके अंदर के जो बॉक्स कंटेंट हैं जो पहले आईफोन 11 में आते थे उसके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जो अब अगर आप आईफोन 11 रहते हैं तो उसमें क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट मिलते हैं, और बेसिकली फ़ोन कैसा है, स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें और कैमरे के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सामने की तरफ आईफोन 11 मिलता है कुछ इस तरीके से, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आईफोन 11 पर्पल कलर में 64GB वेरिएंट। और सच में फ्रेंड्स, इसका जो इन हैंड फील है वो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। मतलब पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ग्लास बैक मिलता है और साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम, और जो इसकी डिस्प्ले है आप देख सकते हैं जो नॉच यहाँ पे मिलती है आपको, और डुअल कैमरा है इसमें, एक अल्ट्रा वाइड और एक प्राइमरी, और दोनों ही 12 मेगापिक्सल के। यहाँ पे आपको एलईडी फ्लैश मिलता है और फ्रंट कैमरा भी आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है। तो अभी हम रखते हैं फ़ोन को साइड में और बात करते हैं और बॉक्स कंटेंट की। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये आपको केबल मिलती है USB टाइप सी टू लाइटनिंग केबल। पहले फ्रेंड्स, इसमें 5V का एक चार्जर भी आता था, मतलब अडेप्टर, अब वो भी कंपनी ने देना बंद कर दिया है। हालांकि ये जो फ़ोन है आईफोन 11, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 18W की, बट इसमें कंपनी ने कोई भी चार्जर, मतलब अडेप्टर कोई भी सप्लाई नहीं किया है, आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। और उसकी जो प्राइस है फ्रेंड्स, वो 1500 से 1800 के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको ख़रीदना है। तो इसमें इस तरह की केबल मिलती है, और जो यहाँ पे है कुछ पेपर वर्क मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, उसको निकाल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ एक क्विक स्टार्ट गाइड, सिम इजेक्टर टूल और वारंटी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे अब एक ही एप्पल का लोगो दे रहे हैं। पहले ये दो एप्पल लोगो का स्टिकर देते थे, अभी सिर्फ एक ही दे रहे हैं। और यहाँ पे अगेन कुछ डॉक्यूमेंटेशन, तो बस इतना ही इसमें आपको सामान मिलता है, और ये एक केबल। तो फ्रेंड्स, फ़ोन दिखने में कुछ इस तरह का लगता है, काफ़ी सॉलिड फील देता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और जो इसका पर्पल कलर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कंप्लीट डीप पर्पल तो नहीं है, लाइट पर्पल है, आपको थोड़ा थोड़ा वाइटिश सा भी लगेगा, बट काफ़ी अच्छा कलर है। और जो इसका साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, 6.1 इंच का, और मतलब हाथ में काफ़ी अच्छे से आप इसको पकड़ सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा। और यहाँ पे आपको साइड में वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे साइलेंट मोड ऑन और ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे स्लाइडर मिल जाता है। राइट साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन, और यहाँ पे दो कैमराज जो मैंने आपको बताए दिए, और यहाँ पे LED फ्लैश, और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे लाइटनिंग के लाइटनिंग पोर्ट और माइक्रोफोन और स्पीकर मिलता है, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको पावर बटन के नीचे ठीक यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है, जहाँ पे आप सिम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स फ़ोन के कुछ लुक्स के बारे में। आप फ़ोन को जल्दी से करते हैं बूट। तो फ्रेंड्स, फ़ोन जो है वो बूट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो उसकी जो डिस्प्ले है फ्रेंड्स, वो रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। हालांकि ये ना ही कोई एमोलेड डिस्प्ले है ना ही ओलेड डिस्प्ले है, बट फिर भी जो इसमें पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती है। तो इसको जल्दी से ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑन हो चुका है, और इस तरह का इसका कुछ लेआउट है। इसमें जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं सारी इसमें आपको डली हुई मिल जाती हैं, गूगल मैप वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अलग से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके कैमरा की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कैमरा है मैंने आपको पहले बता दिया था, इसमें फ्रंट कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का मिलता है, और रियर के भी दोनों, आपने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाले और जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो भी आपको 12 मेगापिक्सल के मिलते हैं।
कैमरे के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें बहुत सारे आपको मोड्स मिलते हैं, स्लो मोशन भी मिलता है, टाइम लैप्स भी मिलता है, और इवन आप पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं कई कई अलग अलग इफ़ेक्ट में। और यहाँ पे आपको पैनोरेमा मोड भी मिलता है। तो मतलब काफ़ी आपको इसमें मोड्स मिलते हैं, कई तरीके से आप इसमें सेटिंग करके इसमें आप वीडियोस और फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी में। और इवन इसमें आपको नाइट मोड भी मिलता है जो कि काफ़ी शानदार वर्क करता है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स फ़ोन की बात, मैं आपको बताता हूँ ये मेरे को किस प्राइस पे ये मिला मेरे को। तो फ्रेंड्स ये फ़ोन था 49,000 का, बट जब मैंने easycoupondeal.com से जाके इस फ़ोन को बाय किया टाटा क्लिक वेबसाइट से ऑनलाइन, तो मेरे को इस पे 4,000 इंस्टेंट कैशबैक, मतलब उसी टाइम मेरे को इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया। एंड देन मैंने अपना जो ओल्ड फ़ोन था सैमसंग का वो भी मैंने रिप्लेस किया, तो उसकी भी मेरे को काफ़ी अच्छी हाई वैल्यू मिल गई। तो मतलब फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों से ही ज़्यादा मेरे को उस पे जो है उस फ़ोन के वैल्यू मिल गई, और मैंने उसको सेल कर दिया अप्रॉक्सीमेटली 7,000 में। और ये फ़ोन मेरे को काफ़ी मतलब 11,000 से 12,000 रुपये कम का पड़ा। तो फ्रेंड्स ये फ़ोन आप भी ले सकते हैं टाटा क्लिक के थ्रू। तो फ्रेंड्स आपको इसका लिंक, इस फ़ोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया। और साथ ही साथ आपको फास्ट चार्जर जो एप्पल का है 18 वोल्ट का, उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, अगर आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.